कैसे हो आप सब? होपफुली सब अपने अपने घर में सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी अल्टीमेट प्रॉपर्टी लेके आए हैं जिसको देख के आपका दिल डेफिनेटली खुश हो जाएगा। आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को पसंद करेंगे। जी हाँ, ये एक लग्जरियस विला है ओमैक्स फेस वन की प्राइम लोकेशन के अंदर। और कई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, वो एज़ पर वास्तु जो मेन रिक्वायरमेंट होती है ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग की प्रेफरेंस करते हैं। तो ये प्रॉपरली ईस्ट फेसिंग हाउस रहने वाला है आज, जो कि 302 गज के अंदर बना हुआ है, जिसका फ्रंट अप्रोक्सीमेट 37 फीट के करीब है। तो फ्रेंड्स, आइए विजिट करते हैं दिस लग्जरियस विला एट ओमैक्स फेस वन प्राइम लोकेशन न्यू चंडीगढ़। रुको फ्रेंड्स, सबसे पहले विला देखने से पहले आपको बता दूं कि ओमैक्स फेस वन प्राइम क्यों है। बेसिकली इस एरिया के अंदर क्लब हाउस की फैसिलिटी आपको रनिंग में मिलती है। ऑपरेशनल क्लब हाउस है ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ के अंदर, फेस वन के अंदर प्रॉपरली मार्केट ऑपरेशनल है, जहाँ पे आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज आज की डेट में मिल जाती हैं, फूड कोर्ट्स मिल जाते हैं, डेली नीड्स की कोई भी जरूरत की सामान है आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है यहाँ मार्केट से ही। तो फ्रेंड्स, फुली ऑपरेशनल एरिया आप कह सकते हो ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ का ओमैक्स फेस वन, जहाँ पे काफ़ी अच्छे पार्क्स हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हर एक तरीके की मिल जाएगी। लाइक आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने घर के अंदर, 24/7 सिक्योरिटी इस एरिया के अंदर दी गई है। प्रॉपरली गेटेड कम्युनिटी है यहाँ पे ओमैक्स की तरफ से, 24 घंटे बिजली, पानी, सिक्योरिटी, सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले आप ये लोन एरिया देख सकते हैं, जिसकी अगर विड्थ की बात करें अप्रोक्सीमेट 11-11.5 फीट की इसकी विड्थ रहने वाली है। आप यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ग्रीन मेंटेन किया गया है। देन क्यूबा स्टोन का यूज किया गया है बिल्कुल एंट्री के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें एंट्री की, अंदर गाड़ी की पार्किंग की प्रोविजन की गई है। और जो ये गेट आप देख रहे हैं, ये प्रॉपरली रिमोट से कंट्रोल होने वाला गेट है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपरली इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा हमारा रिमोट से कंट्रोल होने वाला है एंट्री गेट। क्यूबा स्टोन यहाँ पे हमने यूज़ किया है एंट्री लेवल पे। और पार्किंग एरिया के अंदर ये आप देख सकते हैं स्पेशियस पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप अपनी XUV गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्रंट पे भी एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। देन एंट्री के साथ ही राइट हैंड लेवल पे हम देखते हैं प्रॉपर लॉन मेंटेन करके दिया जा रहा है आपको, जो कि एक काफ़ी स्पेशियस एरिया है। और इसके साथ में ही आप देखोगे यहाँ से भी अपनी ड्राइंग एरिया की एंट्री दी जा रही है। फैमिली लॉन्च या ड्राइंग एरिया आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। टफंड ग्लास और एसेंस स्टील के साथ, वुडवर्क के साथ इसको डिजाइन किया गया है। देन उसके बाद जैसे ही हम एंट्रेंस की तरफ आते हैं, आप देख सकते हो प्रॉपरली इटालियन मार्बल फ्लोरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपरली इटालियन मार्बल का यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इस विला के अंदर। देन सबसे पहले मैं आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा हमारे इस एंट्रेंस गेट के तरफ, जो कि अप्रोक्सीमेट्स 10-10.5 फीट का एंट्रेंस डोर है। बिकॉज अंदर डबल हाइट की एंट्रेंस दी गई है, जैसे ही हम एंट्रेंस करेंगे, इसलिए ये एक लग्जरियस लुक देने के लिए ये टीक वुड के साथ लेविश डोर प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम इस एरिया को भी देखते हैं, ये भी एक लेविश एरिया डिजाइन किया गया है। जैसे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं प्रॉपर टफंड एरिया डिजाइन किया गया, टफंड ग्लास के साथ एरिया डिजाइन किया गया है। देन उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे वॉल के ऊपर प्रॉपर डिजाइनिंग की गई है, एक एंट्रेंस को लेविश लुक देने के लिए। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम अपने इस घर के अंदर एंटर होते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा आ जाता है ड्राइंग एरिया। जी हाँ, हमने इस एरिया को ऐसा ड्राइंग एरिया सेटअप किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया है, चाहे वो सोफ़ा सेट्स हो, सेंटर टेबल हो, प्रीमियम लुक के साथ, प्रीमियम क्वालिटी के साथ यूज़ किया गया है। जैसे फ्रंट वॉल की हम बात करें राइट हैंड साइड की, इसको काफ़ी लेविश लुक और लग्जरी इंटीरियर के तौर पर यूज़ किया गया है। प्रॉपर ये
इटालियन फ्लोरिंग यूज़ की गई है पूरी वॉल के ऊपर। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, डबल हाइट एंट्रेंस के साथ ये ड्राइंग एरिया है, और साथ ही साथ आप इस एरिया को देख सकते हैं, एक रफ ब्लॉक्स के साथ ही इसको तैयार किया गया है एक प्रीमियम लुक देने के लिए इस विला की एंट्री के लिए। और आप देख सकते हैं डबल हाइट एंट्रेंस के साथ जैसे ही हम एंटर करेंगे, आप यहाँ पे आप अपना एक शैंडलियर लगा सकते हैं जो कि इस एंट्रेंस को और भी ज़्यादा लग्जरी लुक देगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस लग्जरियस विला की ओर, तो ये हमारा आ जाता है एंट्री लॉबी। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा फैमिली लॉन्च। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम अपने फैमिली लॉन्च के अंदर एंटर होते हैं, एक बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी के साथ इस फैमिली लॉन्च को भी तैयार किया गया है। आप सोफ़ा सेट्स देख सकते हैं, सेंटर टेबल देख सकते हैं, हर एक चीज़ को बड़े ही प्लानिंग के साथ यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इसके साथ ही इसकी जो क्वालिटी है ना, वो सबसे बेस्ट यूज़ की गई है इस पूरे विला के अंदर। अगर मैं बात करूं इस विला की फॉल सीलिंग की, कंप्लीट फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग इस विला के अंदर यूज़ की गई है। अगर बात करें हम इटालियन मार्बल की, पूरे विला के अंदर प्रीमियम इटालियन मार्बल का यूज़ किया गया है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करें, यहाँ पे एलईडी पैनल का स्पेस दिया गया है, आप अपना एलईडी यहाँ इंस्टॉल कर पाएंगे। और दोनों साइड आप देख सकते हैं काफ़ी लग्जरी पैनल्स बना के दिए जा रहे हैं, कैबिनेट्स बना के दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एसी का प्रॉपर डक्टिंग और पाइपिंग करके दी जा रही है, आप यहाँ पे अपने एसी इंस्टॉल कर सकेंगे। और इसके साथ ही बात करें, यहाँ पे लाइट और वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर ध्यान रखा गया है लाइट और वेंटिलेशन का। यहाँ पे टफन्ड ग्लास का यूज़ किया गया है, मैश डोर का यूज़ किया गया है लाइट और वेंटिलेशन में, जो कि लॉन के अंदर, फ्रंट लॉन के अंदर अपनी एंट्रेंस देता है। तो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं इस विला टूर को। तो जैसे ही हम अगेन हमारे ड्राइंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको शो करूंगा हमारा पाउडर रूम। बिकॉज कोई भी गेस्ट आपके बैठे हुए हैं ड्राइंग एरिया के अंदर, वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे इस पाउडर रूम को, कॉमन वॉशरूम को, जो कि एक लेविश कैटेगरी के साथ तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे फिटिंग्स है प्रीमियम ब्रांड्स की यूज़ की गई हैं, लाइक टॉप ब्रांड्स ऑफ जैगुआर, टॉप क्वालिटी ऑफ जैगुआर, यहाँ पे सारी सैनिटरी फिटिंग्स यूज़ की गई हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम, यहाँ पे भी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर विंडोज दी गई हैं हर एक वॉशरूम के अंदर, स्पेशली फॉर वेंटिलेशन पर्पस। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये विला डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा डाइनिंग एरिया। ये देख सकते हैं ये हमने एज अ डाइनिंग एरिया इसको सेटअप किया है, स्पेस को, जो कि काफ़ी स्पेसियस एरिया है। यहाँ पे 8 सीटर हमने डाइनिंग टेबल यूज़ किया है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी के साथ यूज़ किया गया है। इसके साथ भी वेंटिलेशन और लाइटिंग का प्रॉपर ध्यान रखा गया है कि डे लाइट के अंदर आपको लाइटिंग ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे यहाँ की फॉल सीलिंग की बात करें, वो भी पूरी अल्टीमेट फॉल सीलिंग यूज़ की गई है। और इसके साथ ही बात करें तो हमारे इस घर का स्पेसियस किचन आ जाता है, जो कि ओपन कंसेप्ट के अंदर भी हमने यूज़ करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं फुली मॉडुलर किचन रहने वाला है ये, जहाँ पे कैबिनेट्स काफ़ी अच्छे से तैयार किए गए हैं, विद चिमनी होब तैयार करके दिया जा रहा है ये। उसके अलावा बात करें, जो भी कैबिनेट फिटिंग्स हैं, ये प्रॉपरली ब्रांड फिटिंग्स के साथ यूज की गई हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें स्पेसियस किचन की, इसको काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है, बिकॉज यहाँ पे अपना ये ब्रेकफास्ट काउंटर डिजाइन किया गया है, कि जैसे आप जल्दी में हैं, आप ऑफिस जल्दी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हैं। ये एक यूनिक न्यू कंसेप्ट है पूरी मार्केट के अंदर,
क्योंकि आज की डेट में हर एक फैमिली काफ़ी फास्ट मूवमेंट कर रही है, काफ़ी फास्ट हर एक फैमिली के मेंबर का वर्क रहता है आज की डेट में बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो फ्रेंड्स इसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। साथ में ये डबल शिंक का यूज़ किया गया है जो कि प्रीमियम फिटिंग्स ऑफ जैगुआर्स के साथ है, और इसके साथ में ही क्रोकरी कैबिनेट आपको प्रॉपरली बना के दिया जा रहा है। और इसके जस्ट ऑपोजिट देखते हैं तो यहाँ पे आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर की स्पेस दी जा रही है, माइक्रोवेव और ओवन का पूरा प्रोविजन बना के दिया जा रहा है। तो ये एक फुली मॉडुलर किचन है जो आपको इस विला के अंदर मिलेगी। और अगेन बात करें लाइट और वेंटिलेशन की, जैसे हमने डाइनिंग एरिया में भी बात की थी, तो यहाँ से आपको लेके चलते हैं हमारे बैकयार्ड की तरफ। तो गाइस जैसे ही हम अपने बैकयार्ड के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक स्पेसियस बैकयार्ड दिया गया है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप किया गया है। सबसे पहले आप ग्रीन एरिया देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हर एक चीज़ को इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। इसके अगर साइज़ की बात करें अप्रोक्सीमेट 15 फीट बाय 37 फीट के करीब रहने वाला है ये। और इसके साथ में ही यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दी गई है, वॉशिंग टैब्स दी गई हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिए गए हैं और हर एक चीज़ बेस्ट यूज़ की गई है। जैसे वॉल के ऊपर भी आप देख सकते हो प्रॉपर टाइलिंग यूज़ की गई है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा इस घर का एंट्री, लॉबी, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, फैमिली लॉन्च। तो अभी हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ जो कि ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम दिया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे हम एंटर करते हैं, सबसे पहले बात करें अगेन डोर्स की और वुडवर्क की। प्रीमियम टीक वुड का यूज़ किया गया है हर एक डोर के अंदर, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ हैंडल्स, लॉक्स, हर एक चीज़ को अल्टीमेट यूज़ किया गया है इस लग्जरियस फुली फर्निश्ड विला के अंदर। सबसे पहले ये टीवी पैनलिंग आ जाती है, यहाँ पे अपन अपना एलईडी इंस्टॉल कर पाएंगे। अगेन फ्लोरिंग की बात करें, प्रॉपर मार्बल यूज़ किया गया है, इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है। एक काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है बिकॉज किंग साइज बेड लगाने के बाद भी डबल साइड कैबिनेट दिए गए हैं दोनों साइड, जो कि काफ़ी स्पेसियस बेडरूम के अंदर ही आ सकते हैं। बैक ऑफ द बेड काफ़ी अच्छे से डिजाइन की गई है जो कि आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील देता है। और फॉल सीलिंग की बात करें, अगेन एक अल्टीमेट कलेक्शन यूज़ की गई है फॉल सीलिंग की। इसके साथ ही बात करें फ्रेंड्स, इस बेडरूम के साथ अगेन ड्रेसर एरिया दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेसियस है, प्लस आप देख सकते हैं ये अल्टीमेट ड्रेसर्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ में ये ड्रेसर कवर दिए गए हैं, ये स्लाइडर डोर के साथ दिए जा रहे हैं आपको, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। देन फ्रेंड्स अगेन अटैच वॉशरूम रहने वाला है जो कि काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है, आप देख सकते हैं अगेन विद प्रीमियम क्वालिटी ऑफ जैगुआर यूज़ की गई है। चाहे आप वैनिटी देखिए, चाहे आप बाथिंग एरिया देखिए, इस वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं पार्टीशन ग्लास का यूज़ किया गया है जो कि टफन ग्लास अगेन जैगुआर कंपनी का यूज़ किया गया है। तो बेस्ट थिंग्स यूज़ की गई हैं इस पूरे विला के अंदर हर एक चीज़ को लेके। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा लेविश विला। अगेन बात करें लाइट और वेंटिलेशन की, तो अगेन लाइट और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। ये सेम विंडो है जो भी हमने बैकयार्ड की तरफ देखी थी, किचन से भी आपकी सेम एक्सेस दी गई है टफन ग्लास और मैश डोर के साथ। और यहाँ पे जो क्वालिटी यूज की गई है वो प्रीमियम क्वालिटी है, वुडवर्क का इस्तेमाल किया गया है, SS स्टील्स का यूज़ किया गया है, प्लस साथ में टफन ग्लास का यूज़ किया गया है सिक्योरिटी पर्पज से।
तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा ग्राउंड फ्लोर पे जो हमने एक बेडरूम दिया, बिकॉज एक बेडरूम देने का पर्पस ये है क्योंकि हम इसको एक स्पेसियस विला बनाना चाहते थे, इसी पर्पस से हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से प्लान किया गया है। अगर ग्राउंड पे बेडरूम की बात करेंगे, इसको हम पेरेंट्स बेडरूम या फिर अपना गेस्ट बेडरूम यूज़ कर सकेंगे। आइए अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर। फ्रेंड्स अगर इन सीढ़ियों की बात भी करें तो यहाँ पे प्रॉपर इटालियन मार्बल का यूज़ हुआ है, टफंड ग्लास का यूज़ हुआ है एज अ रेलिंग, और साथ में टीक वुड का यूज़ किया गया है। और ये जो लाइटिंग यूज़ की गई है स्ट्रिप लाइट, इससे इसकी लुक और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं हमारी एंट्रेंस लॉबी ऑफ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस लॉबी में हम पहुंच चुके हैं जो कि एक स्पेसियस एरिया निकल के आता है। यहाँ पे भी इटालियन मार्बल का यूज़ किया गया है फ्लोरिंग के लिए, और इसकी आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं क्लासिक लुक में यूज़ की गई है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे आप वॉल वर्क भी देख सकते हैं दोनों साइड पे, जहाँ पे पीओपी का काफ़ी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है पीओपी वर्क का डिजाइनिंग के अंदर। और साथ में ऐसे इंटीरियर वर्क की बात करें, जो लाइटिंग यूज़ की गई है, लाइटिंग लैंप काफ़ी अच्छे से यूज़ किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन बेडरूम्स दिए गए हैं विद अटैच्ड ड्रेसर एंड वॉशरूम। आइए चलते हैं हमारे सबसे पहले बेडरूम की तरफ। अगेन जैसे वुड वर्क के तौर पे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सभी जगह पे कि टिक वुड का यूज़ किया गया है। ये एक स्पेसियस बेडरूम है आप देख सकते हैं, जहाँ पे किंग साइज बेड लगाने के बाद, वो भी अल्टीमेट बेड लगाने के बाद, काफ़ी स्पेस बच जाती है दोनों साइडों में। और इसके जस्ट ऑपोजिट ये LED पैनल बना के दिया जा रहा है आपको, एक शाही लुक के तौर पर इस बेडरूम को तैयार किया गया है। यहाँ पे बात करें पीओपी वर्क की, दीवार के ऊपर पीओपी वर्क बखूबी इस्तेमाल किया गया है। फॉल सीलिंग की बात करें, अल्टीमेट फॉल सीलिंग यूज़ की गई है। और अगर फ्लोर्स की बात करें, यहाँ पे इटालियन लुक के अंदर फ्लोरिंग यूज़ की गई है। और साथ ही साथ बात करें फ्रेंड्स, इसके साथ में आता है अटैच ड्रेसर प्लस वॉशरूम। अगेन ड्रेसर की बात करेंगे, काफ़ी स्पेसियस ड्रेसर एरिया है। अगेन स्लाइडर ड्रेसर्स यूज़ किए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस हैं। और साथ में ही अटैच वॉशरूम आ जाता है हमारा, अगेन विद प्रीमियम क्वालिटी ऑफ जैगुआर फिटिंग्स। बाथिंग एरिया को अलग से यूज़ किया गया है, शावर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये एक अल्टीमेट विला है, उसी तरीके से इसमें हर एक चीज़ को बखूबी इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स इस बेडरूम के अंदर भी लाइटिंग और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, बिकॉज यहाँ पे मैश डोर दिया गया है विद सेम क्वालिटी ऑफ स्लाइडर्स, टफंड ग्लास का यूज़ किया गया है। बालकनी आप देख सकते हैं, ये रियर बालकनी है जो कि हमारे इस बेडरूम के साथ और हमारे सेकंड बेडरूम के साथ यहाँ अटैच रहने वाली है, काफ़ी स्पेसियस बालकनी हो जाती है। फ्रेंड्स इस वो बालकनी के अंदर भी आपको वॉशिंग टैप्स लगा के दी जा रही है, यहाँ पे भी आप अपना वॉशिंग एरिया यूज़ कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा हमारा इस घर का सेकंड बेडरूम, आइए आपको लेके चलते हैं हमारे एक और यूनिक बेडरूम की ओर, थर्ड बेडरूम की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी सेम क्वालिटी ऑफ डोर एंड अदर मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे जो फ्लोरिंग यूज़ की गई है आप देख सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग यूज़ की गई है। इसके साथ में अगर बात करें, जैसे ही हम एंटर होते हैं एक लेबिश और स्पेसियस बेडरूम है ये। बेड की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यूज़ की गई है, साथ में सोफ़ा सेट यूज़ किया गया है, सिटिंग चेयर यूज़ की गई है, इस साइड भी टेबल यूज़ किए गए हैं साइड टेबल। तो ये रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस बनाया गया है। और बैक वॉल की बात करें, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से यूज़ किए गए हैं पूरे वॉल के अंदर, चाहे वो कर्टन्स का हो, चाहे बैक वॉल का हो, चाहे हर एक चीज़ का हो।
और फ्रेंड्स बात करें हम यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी एक स्लाइडर कवर यूज़ की गई है, तैयार करके दी जा रही है आपको। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस और अलग से दी गई है, जहाँ पे आप एक और अलमीरा सेटअप कर सकते हैं आराम से। और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है, जो कि एक लेबिश स्टाइल के अंदर तैयार किया गया है, जिसमें अगेन बेस्ट क्वालिटी ऑफ जगुआर यूज़ की गई है। बाथिंग एरिया को अलग से सेपरेट दिया गया है। आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक टाइल वर्क यूज़ किया गया है इस वॉशरूम के अंदर भी। फ्रेंड्स ये था थर्ड बेडरूम इस स्पेशियस विला का। अभी आपको लेके चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की ओर, फोर्थ बेडरूम की ओर, जिसका साइज बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस दिया गया है और हर एक चीज़ उसमें भी प्रीमियम क्वालिटी के साथ यूज़ की गई है। इसका सबसे यूनिक चीज़ है इसमें वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं प्रीमियम वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे यूज़ की गई है। बेड लगाने के बाद दोनों साइड्स बहुत ज़्यादा स्पेस है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया ये इस घर का मास्टर बेडरूम है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस तैयार किया गया है और हर एक चीज़ को यहाँ पे अल्टीमेट यूज़ किया गया है। आप यहाँ पे 100 इंचेस का LED भी इंस्टॉल कर सकेंगे। इस तरीके से यहाँ पे LED पैनल तैयार किया गया है और लाइट और वेंटिलेशन के लिए अगेन यहाँ पे मैश डोर दिए गए हैं, टफंड ग्लास दिए गए हैं और यहाँ पे सेपरेट फ्रंट विंडो दी गई है और इसके साथ में सेपरेट बालकनी दी गई है, जो कि स्पेसिफिक मास्टर बेडरूम के लिए यूज़ होएगी। आप देख सकते हैं यहाँ भी टफंड ग्लास का यूज़ किया गया है इस घर की लुक को, इंटीरियर को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स फ्रंट बालकनी के बाद आप देख सकेंगे अभी इस घर का ड्रेसर एरिया, वार्डरोब एरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस दिया गया है अगेन, और हर एक चीज़ में यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगी। आप ये वार्डरोब देख सकते हैं, टफंड ग्लास के साथ स्लाइडर डोर के साथ यूज़ किया गया है इस वार्डरोब एरिया को भी, और साथ में ही अटैच वॉशरूम आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस वॉशरूम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्पेसियस वॉशरूम देख सकते हैं, जिसमें टाइल वर्क बाखूबी यूज़ किया गया है, एंट्रीज की टाइल्स यूज़ की गई हैं, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक फ्लोरिंग यूज़ की गई है, प्लस अल्ट्रा लग्जरी सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ भी यूज़ की गई है। सेपरेशन दी गई है अगेन हर एक वॉशरूम की तरह, यहाँ पे भी आपके बाथरूम एरिया की सेपरेशन अलग से दी गई है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा फोर्थ बेडरूम मास्टर बेडरूम इस लग्जरियस स्पेसिस विला का, तो अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ, जहाँ की एंट्री हमने अलग से दी है फॉर रेंटल पर्पस। वहाँ पे वन बेडरूम बनाया गया है, किचन बनाई गई है, प्लस सर्वेंट रूम भी आपका वहीं पे रहने वाला है। आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा हमारा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, जिसमें फोर बेडरूम का हमने आपको कंसेप्ट दिखाया इस लग्जरियस विला का। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की ओर, जहाँ पे हमने ऑप्शन रखी है एक वन बेडरूम सेट के रेंटल की ऑप्शन रखी है, प्लस सर्वेंट रूम आपका वहीं पे डिजाइन किया गया। आइए चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड फ्लोर की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे अभी हम सेकंड फ्लोर के ऊपर एंटर हो चुके हैं, यहाँ पे ये आपका एक सर्वेंट रूम दिया गया है, जिसके साथ अटैच वॉशरूम अलग से दिया गया है। अगर बात करें हम साइज की, तो अप्रॉक्सीमेट 11 फीट बाय 12 फीट का बेडरूम रहेगा, अलग से अटैच वॉशरूम भी साथ में दिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें इस स्पेशियस रूफ की, जी हाँ आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस ही रूफ दी गई है, यहाँ पे चारों तरफ ओपननेस है, काफ़ी स्पेसियस रूफ आपको मिल जाती है, आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। उसके साथ ही एक सेपरेट एरिया भी डिवाइड हो जाता है इस रूफ के साथ ही, ये एरिया भी काफ़ी स्पेसियस है इस रूफ का। और इसके साथ ही बात करें
जो अभी हमने सर्वेंट रूम देखा था, वो सर्वेंट जो रहते हैं वो यहाँ पे अपना किचन यूज़ कर पाएंगे। किचनेट यहाँ पे बना के दी गई है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, जैसे हमने रेंटल पर्पज़ की बात की थी, सबसे पहले एक बेडरूम अलग से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है फॉर रेंटल पर्पज़ ओनली, जो कि काफ़ी स्पेसियस बेडरूम है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस बेडरूम की साइज़ की बात करें, अप्रोक्सीमेट 15x18 फीट के आसपास का ये बेडरूम साइज़ है, जिसके साथ लाइट और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। और अटैच वॉशरूम इस बेडरूम के साथ भी दिया जा रहा है विद प्रीमियम फिटिंग्स के साथ। आप देख सकते हैं सभी जगुआर फिटिंग्स के साथ ये वॉशरूम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी प्रीमियम फिटिंग्स के साथ ये वॉशरूम दिया जा रहा है। यहाँ पे भी अगर वॉल टाइल्स की बात करें या फ्लोरिंग टाइल की बात करें, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ टाइल्स भी यूज़ की गई है, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स यूज़ की गई है, और बाकी एरिया यहाँ पे भी अलग से सेपरेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, पूरा ये विला एक लग्जरी कंसेप्ट के अंदर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा विला एक प्रीमियम कैटेगरी के अंदर तैयार किया गया है। अभी हमने देखा ये पूरा कंप्लीट विला टूर, जिसके अंदर 4 बेडरूम, 4 वॉशरूम, ड्राइंग डाइनिंग किचन, प्लस अलग से वॉशरूम था कॉमन वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। उसके अलावा सेकंड फ्लोर के ऊपर ये स्पेशियस बेडरूम है, रेंटल पर्पज़ से तैयार किया गया है, प्लस सर्वेंट रूम की एंट्रेंस और इस रेंटल पर्पज़ वाले रूम की एंट्रेंस अलग से दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें लोकेशन की, अगेन लोकेशन सबसे प्राइम है, ईस्ट फेसिंग ये विला रहने वाला है। तो अगर आप ड्रीम हाउस देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं नियर अबाउट चंडीगढ़, तो आप एक बार इस विला को विजिट जरूर करें। हमारी टीम आपको हमेशा की तरह बेस्ट सर्विस, बेस्ट डील प्रोवाइड करवाएगी। थैंक यू सो मच।